मुझे याद नहीं है कि कल रात मैंने दवा लिया या नहीं। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां हम कहते हैं मुझे याद नहीं है, या मैं भूल गया हूं, या मेरे दिमाग से बात उतर गई है, या मेरे दिमाग पर ये बात चढ़ नहीं रही है। जैसे अक्सर आप कहते होंगे मैंने दरवाजे को बंद किया है या नहीं मुझे याद नहीं है, मेरे दिमाग से उतर गया है कि मैंने बल्ब को ऑफ किया है या नहीं। या फिर आप ये कहते होंगे मेरे दिमाग से उतर गया है कि मैंने कार की चाबी कहाँ रखी है। तो फ्रेंड्स, चाहे आप कहें दिमाग से उतर गया है, या याद नहीं आ रहा है, या मुझे याद नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप कहेंगे आई कांट रिमेम्बर। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि मैंने दवा लिया है या नहीं मुझे याद नहीं है, या मेरे दिमाग से ये बात उतर गई है, या ये बात मैं भूल गया हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट रिमेम्बर वेदर आई हैव टेकन मेडिसिन और नॉट। यानी मुझे याद नहीं है कि मैंने दवा लिया है या नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने दरवाजा बंद किया है या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट रिमेम्बर वेदर आई हैव शट द डोर और नॉट। यानी ये बात मेरे दिमाग से उतर गई है कि मैंने दरवाजा बंद किया है या नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने ग्वाला को पैसा दिया है या नहीं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट रिमेम्बर वेदर आई हैव पेड द मिल्कमैन और नॉट। यानी मुझे याद नहीं है मैंने ग्वाला को पैसे दिया है या नहीं, मेरे दिमाग से उतर गया है कि मैंने कार की चाबी कहाँ रखी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट रिमेम्बर वेयर आई हैव केप्ट द की ऑफ कार। यानी मैंने कार की कहाँ रखी है, ये बात मेरे दिमाग से उतर गई है या मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको आखिरी बार कब देखा। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें मुझे याद नहीं है, या मैं भूल गया हूं, या मेरे दिमाग से उतर गया है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं ऐसे सैकड़ों टॉपिक सीखने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।